गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, यस्टरडे वी स्टार्टेड द टॉपिक डिवीजन एंड वी डिड द सम्स ऑफ डिवीजन विद सिंगल डिजिट। टुडे अगेन वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। टुडे वी विल टेक द एग्जांपल्स ऑफ टू डिजिट, डबल डिजिट नंबर। ओके, वी विल डू द डिवीजन सम्स विद एंड विदाउट रिमाइंडर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। Here is the first example, 84 divided by 4. 84 is a two digit number. तो मैंने यहाँ पे जो ये जो sign बनाया है इसको two boxes में बनाया है. So you will write 84 here, 84 like this and 4 outside the format. Now this 84 is dividend, capital D, and here this 4 is a divisor. I think it is clear to you now. Now, as you know that 4 is a single digit number. Divisor जो है वो single digit number है, but dividend हमारे पास आज 2 digit का है. So first of all, we will take first number because it is a single digit number. तो अंदर भी हम single digit के नीचे ही table read करेंगे. तो 4 के table में check करेंगे कि 8 आता है. So we will recite the table of 4. Now table and for the first digit 8, 4 zeros are 0, 4 ones are 4, 4 twos are 8. As we got 8 here, 8 hamare paas aaya, so we will write this 8 here. And 4 ke table mein 8 kaha pe aaya? 2 pe aaya na, to ye wala 2 hum likhenge quotient ki place mein, right? To yahan tak, iske baad hamara next step hai in dono ko numbers ko subtract karne ka. तो जब हमने इन दोनों में से 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 0. यहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे. ये जो 4 है, 84 का जो सेकंड डिजिट था 4, इसको हम एरो डाल के नीचे लेके आएंगे तो ये नंबर बन गया हमारे पास 4. नाउ वी विल रीड द टेबल ऑफ 4 अंडर दिस डिजिट. तो दिस डिजिट इज अगेन 4. तो 4 के टेबल में अब हमने 4 के नीचे चेक करना है. अगेन 4 जीरोस अ 0, 4 वन्स अ 4. तो 4 के टेबल में 4 कहां पे आया? 1 पे. तो 1 आएगा हियर और 4 हियर. एज यू कैन सी, जो हमारा आंसर था 4 वन्स अ 4 सर्कल में, उस 4 को हमने यहां पे लिखा और 4 के टेबल में 4 आता है 4 वन्स अ 4. इस 1 को हमने क्वेश्चन की प्लेस में लिखा. Now the next step is subtraction of these two numbers. अब हम ये वाले two numbers को subtract करेंगे. Upper digit भी 4 है, lower digit भी 4 है. तो जब हमने subtract किया, answer आया 0. तो हमारा ये बन गया remainder. This is quotient. Now we will write down the answer. Answer में quotient is 21. We will write here and remainder 00 here. तो यहाँ पे हमने 84 को जब 4 से डिवाइड किया तो वो आंसर आ गया हमारे पास 21. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. हियर डिविडेंड इज 92 एंड डिवाइजर इज 6. अगेन इट इज अ टू डिजिट नंबर. वी विल राइट इट हियर एंड डिवाइजर हियर. नाउ वी विल रीड द टेबल ऑफ 6 अंडर 9. सो लेट्स स्टार्ट. 9 के नीचे टेबल हमने रीड करना है. यहाँ पे हमने 9 ढूंढना है 6 के टेबल में. अगर 9 आता है हम वो लिख देंगे, अगर नहीं आता तो हम चेक करेंगे कि इसके नीचे हम कौन सा डिजिट लिखेंगे. तो एज यू कैन सी द टेबल, 6 जीरो 0, 6 वन 6, 6 टू 12. तो 9 से बिग नंबर हमारे पास यहाँ आ गया 12. फर्स्ट डिजिट आपने लेना है, सेकेंड डिजिट को नहीं लेना, इसको हमने हाइड कर लेना है, राइट? तो 9 के नीचे हम 12 तो लिख नहीं सकते तो इसको हम कट कर देंगे. तो व्हाट वी विल यूज एग्जैक्टली, इसके ऊपर क्या है? 6. 12 6 वन्स आर 6. तो वी विल राइट 6 अंडर 9 लाइक दिस. और 6 के टेबल में 6 कब आया? 1 पे. तो 1 में हमने लिख दिया क्वेश्चन की प्लेस में. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट. 9 में से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट आंसर 3 हियर. फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व. नाउ एरो डाल के हम ये वाला 2 नीचे लेके आएंगे
तो हमारे पास ये नंबर बन गया 32. नाउ वी विल रीड द टेबल ऑफ सेक्स अंडर 32. तो लेट्स स्टार्ट. सेकेंड डिजिट जो है 32 उसके टेबल अंडर रीड करेंगे. 6 0s are 0, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36. Now 36 is a big number. We cannot write it here, so we will cut it and we will use 30 here. इससे ऊपर exactly 30 है और 6 के टेबल में 30 कब आया? 5 पे. 5 को हमने यहाँ लिखा. अगले स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 में से 30. जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 2. तो ये इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कोशेंट. इसके आगे 15 इज ए कोशेंट एंड 2 इज ए रिमाइंडर. वी विल राइट आंसर हियर नाउ. कोशेंट 15, रिमाइंडर 2. दिस वे वी विल सॉल्व द सम्स. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.